नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो आगाज हुआ था, उस चुनाव के आगाज का कल वोटों की गिनती के साथ खत्म हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जोर लगाने के बावजूद जीत कर अपने अपनी जगह पर आ चुके हैं और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ जनता का रहा है। जनता ने इस बार सही प्रत्याशी चुनकर अपने बीच में लाए हैं। इसी कड़ी में हम लोग नौगांव, एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव में हमें तो इस गाँव में जो यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं वो रहे भाई सहजाद भाई एक ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी के रूप में लोगों ने उनको चुना। तो हम जानते हैं कि इस बार वो जो प्रत्याशी के रूप में जीत कर आए हैं तो वो फैसला उनका था या जनता का था, और जनता ने जो प्यार उनको इस बार दिया है तो उस प्यार के लेके उनका अपना क्या रुझान है। जी सहजाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको जीत की मुबारकबाद देता हूँ आपको, और ये बताइए इस बार जो प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच में आइए, आपका फैसला था या जनता चुन के लाई? तो इस बार जनता यही चाहती थी कि आज तक जो गाँव में कार्य नहीं हुए हैं वो शहजाद भाई के थ्रू, मतलब आप एक जो जनता कहती है एक ईमानदार और एक कार्य करने वाले प्रत्याशी, तो इस बार जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और जो भी यहाँ गांव में जैसे कि बारात खड़ी है आपके यहाँ और पानी जैसी सुविधाओं में बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को लेकर इस बार आपका क्या रुझान रहेगा, आप जनता के बीच में कैसे आएंगे? जो सरकारी योजना कमियों को दूर करें, काम करना बहुत अच्छी विकास करें। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से जो आपको खुशी मिली है उसकी एक अपील कीजिए, अपना एक शुक्रिया देखिए। गाँव रजापुर महल्ला रजापुर सभी ग्राम वासियों को मैं शुक्र अदा करता हूँ और मोहब्बत से मैं उनके लेकर चलूँगा, कंधे से कंधा मिला के लेकर चलूँगा, उनके सहयोग में बहुत अच्छा। तो हमारे साथ थे भाई सहजाद जो एक जीत की खुशी लेकर आए हैं और जनता के बीच में बहुत भरपूर प्यार उनको मिला है, और भी इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस जीत की खुशी में वो कैसे शरीक है। जी आपका नाम? मोहम्मद राशिद। राशिद जी आप ये बताइए, जो सहजाद भाई के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो इस बार इनको आपने बड़े प्यार से जिताया, सब जनता ने सभी धर्म सभी लोगों ने मिलकर, तो आपका अपना क्या विचार है, आपके रुझान क्या? हमारा रुझान ये है कि हम बहुत भारी वोटों से हमारी जीत हुई है और हिंदू मुसलमान सब भाई ने, छोटी बड़ी बिरादरी ने, सब ने बहुत दिल से सहजाद भाई को चुना है, इन्हें बहुत अच्छा समझ कर चुना है और इनसे काम की उम्मीद है और ये काम करेंगे हमारे जी। तो जनता को कैसे धन्यवाद करेंगे? हम गांव की जनता को, हम जनता का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम सबके आभारी हैं। तो ये थे हमारे साथ सहजाद भाई, जो सहजाद भाई यहाँ एक अच्छे मतों से जीत कर जनता के बीच में आए और जनता का इतना प्यार इनको मिला है। जनता इस बार चाहती है कि जो गांव में कार्य अब तक नहीं हुए, से पहले जो भी कार्य रहे हैं, जो जमीन स्तर पर कभी नहीं आए, सिर्फ कागजों में रहे, उन सभी योजनाओं को कागजों की जगह जमीन पर लाएंगे और घर घर तक पहुंचाने का कार्य सहजाद भाई करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और जीत की पुनः मुबारकबाद उनको देता हूं। धन्यवाद।